प्रदेश की राजधानी शिमला के रामनगर में ऐसा सरकारी स्कूल है जहां बच्चे अपनी जान को खतरे में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि यहां बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता है और बारिश में लगातार बढ़ रही फिसलन की वजह से शौचालय जाने वाला रास्ता खतरे से खाली नहीं है। शौचालय के ठीक सामने तेज बहाव नाला है, यहाँ पैर फिसलने पर बड़ा हादसा हो सकता है। इतना ही नहीं, शौचालय के हालात ऐसे हैं जो सीधे बीमारियों को न्योता देते हैं। स्कूल में पढ़ रहे छात्रों का कहना है कि सरकार को रेलिंग लगाकर सुरक्षा देनी चाहिए, अगर रेलिंग नहीं लगाई जा सकती तो सरकार यहां पर नया रास्ता बनाए। रामनगर के स्थानीय निवासी राकेश पंडित का कहना है कि स्कूल बेहद खस्ता हाल है, यहां बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूल के ग्राउंड में स्थानीय लोग अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं और यहां बच्चों को सुविधा के नाम पर कुछ हासिल नहीं हो रहा। उन्होंने सरकार से मांग उठाई कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। ये तो अब सही है। आते हैं। हाँ। क्या होता है जब आप यहाँ से आते हो रास्ते से? अगर भागते हैं ना तो नीचे गिरने का बहुत डर लगता है। क्या करना चाहिए यहाँ पर, आपको क्या लगता है यहाँ पर रेलिंग लगानी चाहिए, क्या करना चाहिए? या तो रास्ता बनाना चाहिए, तो रेलिंग लगानी चाहिए। ज़्यादा जल्दी कर। क्या? क्या नाम है आपका? इशिता। इशिता, कब से प्रॉब्लम है यहाँ पे आपके स्कूल में? ये तो बहुत पहले से है। अच्छा, आपका क्या नाम है? सायरा। सायरा, ये क्या प्रॉब्लम है आपको यहाँ पर, डर लगता आते हुए? तो क्या करना चाहिए यहाँ पर अब? अच्छा, राकेश पंडित है और मैं रामनगर में ही रहता हूँ। ये जो स्कूल है इसकी बहुत ही खस्ता हालत है, आपने देखा होगा अंदर रूम के अंदर पानी आता है, टॉयलेट की व्यवस्था बहुत गंदी है, उधर से डंगा खिसक गया है, बच्चों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, बच्चे अगर वहाँ से जाएंगे तो सीधे नीचे नाले में पहुँचेंगे, और इसका ग्राउंड की बड़ी समस्या है, यहाँ देखो गाड़ियाँ लग जाती है, परमानेंट लोकल लोग गाड़ियाँ लगाते हैं, उससे बहुत दिक्कत आ रही है, बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। तो मेरी प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि स्कूल के बारे में सोचा जाए, इस ग्राउंड के लिए सोचा जाए, टॉयलेट की व्यवस्था की जाए बच्चों के लिए, और सबके विकास के लिए काम किया जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।